वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि फेस मिस्ट क्या होते हैं, आपको फेस मिस्ट किस तरह यूज करने चाहिए, या फिर टोनर क्या होता है, टोनर और फेस मिस्ट में क्या फर्क होता है, इन दोनों को क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोनर के बारे में। जब हम अपना फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश करने से क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उससे उनमें धूल मिट्टी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो उन्हीं पोर्स को बंद करने के लिए हम टोनर का यूज करते हैं। टोनर यूज करने से हमारे जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो उससे इन्फेक्टेड होने का खतरा कम हो जाता है। तो हमें हमेशा फेस वॉश करने के बाद अपना टोनर यूज करना चाहिए, और प्लस आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन के लिए भी रेडी कर देता है अगर आप टोनर यूज करते हैं। तो टोनर के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरे पास है VLCC का रोज वाटर टोनर। जो भी टोनर आप यूज करते हैं, टोनर का यही वर्क होता है कि वो आपके पोर्स को बंद कर देता है। जो टोनर होता है उसे कभी भी आपको ऐसे रब अपने फेस पे नहीं करना चाहिए, हमेशा आप उसको किसी कॉटन पैड से लगाइए, या फिर आप उसको अगर अपनी पाम पे लेके डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको उसे इस तरह से डैप कर करके ही लगाना चाहिए। कभी भी आप उसको रब मत कीजिएगा, वो अच्छे से इस तरह से टोनर लगाया ही नहीं जाता है। हमेशा आप उसको या तो डैपिंग करके लगाइए, या फिर आप उसको किसी कॉटन बॉल्स की या फिर कॉटन पैड की हेल्प से लगाइए। अब बात कर लेते हैं मिस्ट के बारे में। तो मिस्ट के लिए मेरे पास है यहाँ पे गुड वाइब्स का ये बासिल मिस्ट। इसे आपने मेरी पर्पल की अनबॉक्सिंग में भी देखा होगा, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है। और ये आप देखिए इस तरह से पंप पैकेजिंग में आता है, तो इसको ना ये देखिए, तो इसको ना बहुत अच्छी स्मेल है यार इसकी, और इसको ना जो यूज करना बहुत इजी हो जाता है। मिस्ट क्या होता है, आपने टोनर को तो आपने लगाया, टोनर को आप हमेशा फेस वॉश करने के बाद लगाएंगे, लेकिन मिस्ट को आप दिन में एनी टाइम किसी भी टाइम उसको आप यूज कर सकते हैं। किस ये हम इसको यूज करते हैं फ्रेशनेस के लिए, प्लस आपकी स्किन में फ्रेशनेस आ जाती है और आपकी स्किन पे ग्लो आ जाता है एकदम से। आप फेस मिस्ट को एज ए मेकअप सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे लगाएंगे, इसे भी आप जैसे अपने फेस वॉश कर लीजिए, या बिना वॉश के बाद भी बिना भी आप इसको लगा सकते हैं। और इसको आपको रब वगैरह कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप मिस्ट के बाद एकदम से अपना मॉइस्चराइजर या फिर अपनी कोई क्रीम यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्रीम थिक है तो आप उस मिस्ट लगाइए, मिस्ट लगाने के बाद आप भी वो क्रीम लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपना मिस्ट को ड्राई करना पड़ेगा उसके बाद ही आप क्रीम लगाएंगे, आप मिस्ट के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का वर्क एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि जो टोनर है वो आपके पोर्स बंद करेगा, प्लस जो ये मिस्ट होता है इसको आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, ऐसा फेस वॉश करने के बाद यूज करना जरूरी नहीं है। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि आपके पोर्स वगैरह बंद करने का काम नहीं करता है। मिस्ट को आप सिर्फ अपने फेस पे फ्रेशनेस लाने के लिए यूज करते हैं, दैट्स इट, इसका यही काम होता है। और आपको पिंपल्स वगैरह से भी ये बचाता है। और जो ये गुड वाइब्स का है, इसके अंदर तो पैराबिन्स भी नहीं है, सल्फेट भी नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है ये, और किसी का तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। प्लस इसकी प्राइसिंग है 150 रुपीज, आप इसे डिस्काउंट में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो मैं आपको रीड कर देती हूँ, इस पे भी यही लिखा है कि ये बासिल फेस मिस्ट है, जेंटल फेस मिस्ट है, यूथफुल और हेल्दी ग्लो के लिए है। और हाँ जी, इसी पे भी यही लिखा हुआ है। और जो ये वाला फेस मिस्ट है ये ड्राई स्किन के लिए है, बट मैंने इसको तुलसी को इसलिए मंगाया है, सॉरी तुलसी फेस मिस्ट को इसलिए मंगवाया है क्योंकि तुलसी जो होती है वो एक्नेस के लिए बहुत अच्छे से काम करती है, उसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। और इसको आपको हमेशा अपने फेस के बिल्कुल पास करके स्प्रे नहीं करना होता है, फेस मिस्ट को आप इसको दूर से स्प्रे कीजिए, तभी ये आपके फेस पे ठीक रहेगा, क्योंकि आईज वगैरह में जा सकता है, आईज को क्लोज करके ही आपको मिस्ट को यूज करना है। और इस पे लिखा है बच्चों पर इसको यूज नहीं करना है, और मॉइस्चराइजर से पहले आप फेस मिस्ट लगाते हैं, ये इसी के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, जो मिस्ट होते हैं वो आपकी स्किन को एकदम से ग्लोई बना देते हैं। आप और देखिए ये तो इतना छोटा है ना, आप इसको अपने बैग में डाल के कहीं भी ले जाइए, आपको कभी भी लग रहा है जैसे कि अब समर्स आने वाले हैं, गर्मी लग रही है, या फिर आपको अपना अपना चेहरा डल दिखाई दे रहा है, तो आप एक दो पंप इसके स्प्रे कर लीजिए, आपका फेस एकदम से आपका फेस ग्लोइंग लुक देगा आपको, और एकदम से आपका चेहरा खिल जाएगा। और फिर ना आप हल्का सा कोई भी टिश्यू पेपर लीजिए, हल्का सा उसको डैप कर लीजिए, तो आपका बिल्कुल आपका फेस एकदम ग्लो आ जाएगा आपके फेस पे, आप मिस्ट अगर यूज करेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मिस्ट को आप तो अपने टोनर को मिस्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, टोनर का अलग वर्क होता है, मिस्ट का अलग वर्क होता है, क्योंकि तो आप अपना टोनर जिस तरह से यूज करते हैं वैसे ही यूज कीजिए। बस इतना हो सकता है कि आप
टोनर अपना फेस वॉश करने के बाद यूज कर लीजिए, उसके बाद जब भी आपको कभी लगे कि आपका फेस डल हो रहा है या कुछ भी, तो आप अपना मिस्ट यूज कर सकते हैं। तो आपको मिस्ट इस तरह से यूज करने चाहिए, और आप मिस्ट को अपने अंडरआर्म्स में भी लगा सकते हैं, या फिर आप उसको एज ए परफ्यूम स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आजकल बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस आने लगी हैं। अगर आप अंडरआर्म्स में यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फ्रेशनेस देता है, और आपको गर्मी जैसे आजकल आ रही है, अगर आपको यूज करेंगे तो आपको फ्रेशनेस मिलेगी, प्लस आपको ठंडक भी पहुंचाएगा। तो इस तरह से आप अपना फेस मिस्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल बटन को हिट कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।